दोस्तों दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ ही काफी ज्यादा खतरनाक भी होती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप डेंजरस हैंगिंग ब्रिजेस की, जो हद से ज्यादा खतरनाक होने के साथ साथ ही बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धू रिवर ब्रिज। दोस्तों ये ब्रिज हमारी लिस्ट में इकलौता ऐसा ब्रिज है जहां गाड़ियां ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन इसे लिस्ट में रखने का कारण है इसका हद से ज्यादा खतरनाक होना। दोस्तों 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और तकरीबन 4000 फीट लंबा है। दोस्तों इतना लंबा होने के बावजूद ये ब्रिज बिना किसी पिलर के खाई के ऊपर बना हुआ है। अगर आपको यहाँ कभी जाने का मौका मिला तो यहाँ रुककर नीचे जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। ट्रिफ्ट ब्रिज। दो पर्वतों को जोड़ता हुआ ट्रिफ्ट ब्रिज हमेशा ही काफी ज्यादा खतरनाक नजर आता है। ये ब्रिज 170 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों ये ब्रिज ट्रिफ्ट ग्लेशियर के ऊपर बना हुआ है। ये ब्रिज तब तक काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है जब तक ग्लेशियर जमा रहता है, लेकिन जैसे ही गर्मी पड़ती है ग्लेशियर पिघलने के कारण ये ब्रिज काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इस ब्रिज पर से गिरने के बाद लोगों की जान जाने तक का खतरा बना रहता है। टिटलस क्लिफ वॉल। दोस्तों टिटलस पहाड़ पर बना टिटलस क्लिफ यूरोप का सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है। दोस्तों बर्फ की चट्टानों को जोड़ता हुआ ये ब्रिज तकरीबन 500 मीटर लंबा है। दोस्तों टिटलस क्लिफ वॉल पर चले गए 150 कदम आपकी जिंदगी के सबसे अजीब कदम हो सकते हैं, क्योंकि आप शायद ये ना जान पाए कि आपको खुश होना है या डरना है। बर्फ की चट्टानों के बीच बना ये ब्रिज खूबसूरत होने के साथ साथ ही हद से ज्यादा खतरनाक भी है। दोस्तों यहाँ से गिरने के बाद बचने का मौका लगभग खत्म हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद यहाँ आने वाले टूरिस्ट की संख्या करोड़ों में है। ग्लास ब्रिज। दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना पूरी दुनिया से हमेशा दो कदम आगे रहता है। दोस्तों चाइना में 40 से भी ज्यादा ग्लास ब्रिज हैं। उन्हीं में से एक ब्रिज है सेंग जियाजी ग्लास ब्रिज। दोस्तों ग्लास ब्रिज पूरी तरह से पारदर्शी और आर पार देखने लायक होता है। इस पुल की कुल लंबाई 430 मीटर है और इसकी जमीन से ऊंचाई 300 मीटर से भी ज्यादा है। आप इस पुल पर जाकर बेहतरीन नज़ारे देख सकते हैं। दोस्तों जब ये ब्रिज खोला गया था तो ये ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल था। दोस्तों ये खतरनाक होने के साथ साथ ही काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। इसके खतरनाक होने का कारण इसका शीशा। ये पुल शीशे के बिना होने के कारण कभी भी टूट कर गिर सकता है। दोस्तों अगला आता है गैरले ब्रिज। दोस्तों गैरले ब्रिज को साल 2015 में खोला गया था। यह तकरीबन 360 मीटर से भी ज्यादा लंबा है और 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों ये ब्रिज केबल का बना हुआ है और यह काफी ज्यादा खतरनाक नजर आता है। यहाँ जाने वाले कई लोगों की हार्ट अटैक के कारण मौत भी हो चुकी है। इसके खतरनाक होने का कारण केबल से बना होना है। दोस्तों इस ब्रिज से दिल दहला देने वाले नजारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है कि ये ब्रिज काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप दिल के पक्के हैं तो इस ब्रिज से सनसेट देखने जरूर जाइएगा। यहाँ से सनसेट काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। ड्रिफ्ट क्रीक ब्रिज। दोस्तों आपको ये ब्रिज शुरुआत में सामान्य लग सकता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यह सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों जंगलों में घिरा ये ब्रिज 1.5 मील लंबा है। इस पर टहलते समय आप जंगली जानवरों, झरनों और जंगल की खूबसूरत चीजों को देख सकते हैं। दोस्तों खूबसूरत होने के साथ साथ ही खतरनाक भी है। यहाँ के जंगलों के कारण काफी ज्यादा खौफनाक नजर आता है। दोस्तों अगला आता है स्ट्रोम्स रिवर ब्रिज। दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर और सबसे खतरनाक ब्रिज है साउथ अफ्रीका का स्ट्रोम रिवर ब्रिज। इस ब्रिज की कुल लंबाई 120 मीटर से भी ज्यादा है और यह कुल 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। इस ब्रिज को इटालियन इंजीनियर ने डिजाइन किया था। स्ट्रोम नदी पर बना यह पुल कंक्रीट से बना हुआ है और इसका डिजाइन यूनिक है। दोस्तों इस पुल को भी कभी चार हिस्सों में बांटा जा सकता है। इस पुल की खासियत इसके खतरनाक होने का कारण भी है। दोस्तों पुल खुलते समय कभी भी गिर सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप डेंजरस हैंगिंग ब्रिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें से किस ब्रिज पर जाना है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।